तो आज हम बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन ऑफ अ वास्तु। ये वो डायरेक्शन है जो आपके घर के सेंटर से सीधा ईस्ट को शो करता है और यहाँ डिपिक्ट होता है आपका सोशल लाइफ, सोशल सर्कल, कनेक्टिविटी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और इवन आपका रिक्रिएशनल एस्पेक्ट। तो यहाँ के ये एक्टिविटीज क्या होने चाहिए, यानी कि यहाँ बेडरूम उन लोगों का होना चाहिए या लिविंग रूम उनका होना चाहिए जो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, मीडिया से, सोशल स्पेस से या उन बिजनेसेस या जॉब से कनेक्टेड है जहां लोगों के साथ अच्छे और सॉलिड रिलेशनशिप्स मेंटेन करने होते हैं। अब अगर यहां पर आता है टॉयलेट या शूज रैक या फिर वॉशिंग मशीन या सूविंग मशीन, तो आपको यहाँ पे फिर रेमेडीज करनी होती है। ये डायरेक्शन है प्लैनेट सन का और आप अपने कुंडली चार्ट में प्लैनेट सन का प्लेसमेंट और डिग्री भी चेक कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। कलर है यहाँ का व्हाइट या फिर कुछ केसेस में येलो और रेड, और एलिमेंट है ये एयर। तो जल्दी से बताइए कि आपके वास्तु के ईस्ट में क्या एक्टिविटीज है, उनका इम्पैक्ट कैसा है घर के सभी ऑक्यूपेंट्स पे, एंड इफ रिक्वायर्ड वी कैन फिगर आउट एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस फॉर यू व्हिच आर आल्सो बेस्ड ऑन योर लग्न चार्ट।